नमस्कार, मैं हूँ वज्रा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। चुनाव नतीजों पर क्या है बॉलीवुड सेलेब्स का रिएक्शन, आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। बॉलीवुड सेलेब्स भी माहौल को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपनी शानदार प्रतिक्रियाएं दी हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा, आएगा तो। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा रात से ही काफी खुश हैं। उन्होंने लिखा, आज की रात खास होने वाली है क्योंकि मैं आज पूरी रात चुनाव नतीजे देखने के लिए जागने वाली हूँ। तो वहीं पर अभिनेता एजाज खान ने जीत की ओर बढ़ते भोजपुरी अभिनेता निरहुआ की टांग खींचते हुए ट्वीट किया, मुझे लगता है कि ईवीएम गायब करने का प्लान निरहुआ को पहले से पता था, तभी तो कह रहा था कि मुझे भगवान भी नहीं हरा सकते। तो वहीं मशहूर निर्माता एकता कपूर ने भी चुनाव नतीजों पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, चुनाव नतीजे आ गए, भारत ने अगले 5 साल के लिए अपना नेता चुन लिया है और बहुत से भारतीय अलग अलग माध्यमों पर उसे उभरते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सेलेब्स के बीच मोदी सरकार को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। लोग मोदी को बधाइयां दे रहे हैं और इस पर वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। गुलपनाग ने भी ट्वीट किया है, विपक्ष के लिए ये माहौल शोक सभा का बनता जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया कि नतीजे देखने के लिए सुबह से टीवी की स्क्रीन से चिपकी हूँ। अभिषेक बच्चन ने भी चुनाव नतीजों को लेकर अपना एक्साइटमेंट जाहिर किया है। उन्होंने अपनी वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से फिंगर्स क्रॉस्ड वाला इमोजी शेयर किया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। विवेक ओबेरॉय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इसे जारी किया है। 2 पोस्टर शेयर किया है विवेक ओबेरॉय ने, जिस पर आप देख सकते हैं यही लिखा है, आ रही है दोबारा पीएम नरेंद्र मोदी, अब कोई नहीं रोक सकता। वेल फिल्म के पोस्टर में विवेक ओबेरॉय का पीएम मोदी का नया लुक है। पोस्टर में उस नजारे को दिखाने की कोशिश की गई है जब नरेंद्र मोदी ने बनारस जाकर गंगा आरती की थी। नए जारी हो रहे पोस्टर में इस बार पंचलाइन भी दी गई है, नए पोस्टर को अब कोई नहीं रोक सकता लाइन से शेयर किया जा रहा है। बता दें फिल्म चुनाव से ठीक पहले रिलीज होनी थी लेकिन चुनाव आयोग ने इसे रोक दिया था। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड सेलेब्स के बीच मोदी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी मोदी कितने ज्यादा फेमस हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।